कॉलम बना लेते हैं, और ये कॉलम की विड्थ हम रिफाइन कर लेते हैं लाइक कुछ इस तरह से। तो विड्थ आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो कभी भी, लाइक जैसे कि 150 या जो भी आपने रखना है। तो एक अपने बेसिक स्ट्रक्चर अपना बना लिया है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हो, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। और हमारे पास क्लाइंट ने अभी इमेजेस वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं किया है, और आपको पता है कि जैसे हम लोग बैनर एरिया डिज़ाइन करेंगे तो बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे पता है टॉप में एक इमेज आएगा। इमेज है नहीं तो आप क्या करोगे इस केस में, या तो आपको डमी इमेज डालोगे। तो ड्रीमवेयर आपको फैसिलेट करता है कि भाई आप यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल दो। तो जैसे इसका नेम डाल दिया क्या, बैनर, विड्थ रहेगी 800, हाइट रहेगी 150, कलर हम लोग इसका डिफाइन कर लेते हैं, और हमने इसको ओके कर दिया। तो देखो बैनर एरिया आ गया बन के। अब ये देखो एक्सपेंड हो गया इस तरह से, क्यों हुआ, क्योंकि हमने जब टेबल पढ़ा था एचटीएमएल में तो हमें ये पता है कि पैडिंग की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, स्पेसिंग की वैल्यू होती है 2, और बाकी अपना एडिशनल बॉर्डर भी स्पेस लेके चल रहे। तो अगर हम लोग इन तीनों को यहाँ से अगर ओके कर दें तो देखो एकदम फिट हो गया है ना। तो जब आपके पास इमेज आ जाएगा आपने क्या करना है, डबल क्लिक ऑन बैनर, सीधे देखो क्या लिखा था, अपनी इमेज से उसको रिप्लेस कर देना है। तो आप अपना क्लाइंट से ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आपको इतने बाई इतने की बैनर चाहिए, सारी चीज़ें आप पहले से उसको साइजेस वगैरह दे के मंगा लो, या फिर अगर आप खुद डिज़ाइनिंग जानते हो तो अपनी इमेजेस को लाके कैप्चर करके इस हिसाब से इसमें कॉल करा लोगे। तो ऐसे आप जहाँ जहाँ पर भी इमेज आएंगे वहाँ पर प्लेस होल्डर डालोगे। अब इसने इसके लिए कोड क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, IMG टैग के अंदर ही विड्थ हाइट वगैरह सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, 100 डालना चाहे तो डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको फिर 100 यहाँ पर परसेंटेज मैनुअली आगे लिखना पड़ेगा, बट अगर आप यहाँ से डाल लें तो वो पिक्सल में लेगा आपसे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम ज़रा ट्राई करके देखते हैं क्या करता है ये रिप्लेस करने पर। तो फोटोशॉप चाहे तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन हम लोग फोटोपी चला लेते हैं .com। क्योंकि अब आप वर्डप्रेस में जाने वाले हो तो आपका अब तक का जितना भी जर्नी है ना पूरा ही रिवीजन चल रहा है एक तरह का, तो कुछ भी अगर छोटा मोटा छूट गया होगा हमारा वो सब कवर अप हो जाएगा उसमें। ऑफलाइन वाला ट्राई कर लूँ, टाइम लगा रहा है क्या फ़ायदा, अभी देखो खुल जाएगा एकदम, उधर रिस्पॉन्स आने लग गया। मेरे कंप्यूटर तो कुछ भी नहीं चल रहा, फिर भी 75% रैम बिना रिकॉर्डिंग के ले रहा है। वो तभी खुलता है, तो नया ला अपना खोलो तभी चालू हो जाता है। चलो यहाँ से हम लोग करेंगे ओपन। तो ओपन में लेट से मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक रेफरेंस ले लेता हूँ ट्रक इमेज का, और इसको ना भी जिंदा भाई ढीठ है, नथिंग लाइक एनीथिंग। चलिए तो इमेज इमेज साइज और यहाँ से प्रोपोर्शन ऑन रखेंगे। चला जाता तो नया आ जाता। चलो दो तीन डिलीवरी के बाद ये पुराना हो जाएगा। लो जी इसकी हालत खराब होगी, ज्यादा बड़ी इमेज है। ट्रक भी तो देखो जिसने डिजाइनर ने बनाया, रोड तो चलती लगा थी, ट्रक के चक्के खड़े इस पे भी मोशन डाल देता व्हील के ऊपर। फोटोशॉप में आइए, तो यहाँ पर कहीं फोटो थी ना ट्रक की, फाइल मेन्यू यहाँ से करेंगे ओपन, डेस्कटॉप ऑल्ट कंट्रोल आई, यहाँ से हम लोग इसको पहले अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और फिर जितना अपने एरियाज में लेके आना है
नहीं हम तो क्लिप लेंगे इसमें जस्ट, ताकि हमारा बस इतना पार्ट आ गया, बहुत है। अपने को तो रेफरेंस वहाँ पर चेक करना है कि हमारा चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। JPG, क्लिक ऑन सेव, डेस्कटॉप, अपना फोल्डर है TTS, सॉरी MWF, और बैच टाइम 10:30, ड्रीमवीवर, आज की डेट, फोल्डर इज इमेजेस, यहाँ पर बैनर। तो चलिए, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर रिफ्रेश भी कर लें इसको, तो आपको दिख जाएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ से इमेजेस और यहाँ से ओके, ये देखिए, उससे आपकी इमेज जब आपके पास ग्राफिक अवेलेबल होगा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर कमाल की चीज़ क्या है कि हमारी ये फाइल सेव नहीं है, तो इसने देखो एक टेम्प्रेरी URL बना रखा है। कहाँ से आया ग्राफिक? सी ड्राइव से। जैसे हम लोग इसको सेव करेंगे इस लोकेशन पर, इमेज प्लेस होल्डर, आप देखना आपका URL करेक्ट हो जाएगा। एक और अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि मान लो कि आपकी ये इमेज यहाँ नहीं थी, कहीं सी ड्राइव डी ड्राइव से कहीं से उठा लिया आपने रैंडम, इस फोल्डर में नहीं, तो ये कॉपी भी कर लेगा अपने आप। ये भी इसके पास बढ़िया फ़ायदा है ड्रीम व्यूअर का। हाँ मतलब आपको उस फोल्डर में रखने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी उठा लो ये अपने आप कॉपी कर देगा खुद से, ये अच्छा बेनिफिट है। चलिए, तो ये एक हमने पार्ट सीखा, तीनों पार्ट हो गए हमारे। तो ये वाला जो है ऑल्ट कंट्रोल आई कमांड होती है इसकी इमेज को लाने की। यहाँ पर ऑल्ट IP हाइपरलिंक, ऑल्ट IL फॉर ईमेल लिंकिंग। तो यहाँ पर आप देखें कुछ हॉटस्पॉट में दिखाई दे रहे हैं, ये हॉटस्पॉट बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, इसको आपको समझाते हैं कैसे काम करेगा। तो यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, और इमेज हॉटस्पॉट, इसकी जो कोडिंग होती है वो एरिया टैग के थ्रू होती है, और इसको यूज़ करने के लिए आपको JS आना ज़रूरी होता है अगर आप नॉर्मली कर रहे हो, और जो काम ये आपका सेकंडों में कर देगा उसके लिए आपको घंटों लगेंगे मैनुअल कोडिंग के अंदर, बहुत क्विक काम करता है ये। तो करना क्या आपने, जैसे आप याद करो हमारे डिज़ाइन में कभी एक वो था पार्ट, कौन सा वाला, कैफे स्टूडियो, तो कैफे वाले पे चले जाओ, कैफे रेस्टोरेंट वाला था ना, यानी कि star.psd। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे अपना कैफे रेस्टोरेंट, और यहाँ से इसको करेंगे हम लोग ओपन फाइल लोकेशन, और इसके इमेजेस के फोल्डर में देखेंगे क्या हमने कोई बैनर इमेज सेव की थी कभी या नहीं। तो यहाँ नहीं की है तो फिर यहाँ की होगी, ज़रा चेक करो, ये है, ये देखो ये इमेज है। अब ये URL हमने यहाँ से कॉपी किया, ड्रीमवीवर के अंदर हम लाके इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ऑल्ट कंट्रोल आई। तो लोकेशन जो है आपका वो आप फाइंड कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर डालें इस लोकेशन को, तो आपको लोकेशन मिल गया, और ये आपकी इमेज है। आपने ओके किया इसको, तो देखो क्या बोलता है, दिस फाइल इज़ आउटसाइड ऑफ द रूट फोल्डर, तो वुड यू लाइक टू कॉपी, आपने बोला येस। कहाँ पर कॉपी करना चाहते हो, यहाँ पर हमने बोला सेव, यहाँ से हमने बोला कैंसिल। तो देखो इस फोल्डर में आपकी ग्राफिक आ गई अपने आप। तो इसके साथ ये भी फायदा है कि आपने कहीं से भी रैंडम फोटोग्राफ उठाया ये अपने आप लोकेशन पे ले आएगा खुद से ढूंढ के। अब मान लीजिए कि अगर हमने इस तरह का कोई बैनर इमेज अपने टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर अगर किया हुआ है, और आप इसको अगर लिंक बनाना चाह रहे हैं ऑर्डर नाउ को, तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इमेज ही लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख रहे हो। लेकिन हमें किस पे चाहिए, सिर्फ ऑर्डर नाउ। तो इसी का सॉल्यूशन आपको ड्रीमवीवर यहाँ पर देता है एरिया टूल की हेल्प से। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी यहाँ पर कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है, है ना, ठीक है। हमें ऑर्डर नाउ को फंक्शनल करना है, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने रेक्टेंगल टूल लेना है, और इसके ऊपर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है इसे, ठीक है। जो भी आप इसके ऊपर लिंक लगाना चाहते हैं यहाँ लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ से करेंगे F12, यहाँ से बोलेंगे यस। क्या दिखाई देता है, कहीं पर कोई लिंक है, सिर्फ इसके ऊपर है। तो इसने देखो इसके पीछे क्या कोड गया, एरिया। तो ये सब क्या है, 91, 210, 246, 251, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कहाँ पर हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट बना, दो इसके साइज हैं, दो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या नहीं, सिर्फ पॉइंटर आएगा वहाँ पर बना हुआ,
ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो कोई मुझे सर्कुलर लिंक बनाना हो, तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स पहले होती थी जिसमें गो बटन जो होता राउंडेड होता था, अब राउंडेड के ऊपर अगर आप कभी लिंक बनाओगे तो जो खाली रह जाएगा उस पर भी आपका माउस का सिंबल बनाएगा। इसमें आपको ये बेनिफिट मिला, लाइक मेरे को कॉफ़ी कप के ऊपर बनाना है, तो आप ऐसा राउंडेड लिंक बना सकते हो, उठा के इसको कहीं पर रखना है तो ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे ब्राउज़र में कि कप के बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कप के ऊपर मिलेगा आपको, दिखाई दे रहा है। तीसरा आपको मिलता है कोई आपके पास रैंडम शेप है, जिसका मतलब पॉलीगन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो तीसरा कंट्रोल भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से एक बार इसको क्लिक करेंगे और बस क्लिक करते जाइए, अपने आप शेप बना लेगा। ठीक है, और इसकी कोडिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक करता है। अब मैनुअली अगर आप इसको करोगे तो क्या होता है कि आपको पहले जावास्क्रिप्ट में कोड करना पड़ेगा, स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई। पहले आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे कि आपका पॉइंटर कहाँ है, फिर उसको ट्रेस करके फिर आप यहाँ पर वैल्यू डालोगे, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है हमारा। ड्रीमवीवर आपको यहाँ पर बचा लेता है, जैसे आप यहाँ से इसको सेव करके रिफ्रेश करोगे तो देखो इसी शेप के ऊपर आपको जस्ट लिंक मिलेगा और कहीं लिंक नहीं है। नहीं, क्योंकि ये कोई शेप नहीं बना रहा है, कोई वैसी शेप नहीं बना रहा है जैसे एसवीजी जो होती है, तो इसलिए इसका कोई लोड नहीं है। तो इस तरह का कभी आपको कुछ करना पड़े तो ये वैलिड है, ऐसा नहीं कि ये डिसकंटिन्यू हो गया, ये काम कर रही हैं आज भी चीज़ें। इसके अलावा आपको ऑप्शन ये देखो कंप्लीट हो गया, नए वर्जन मिलेगा। ये वाला पार्ट जो है ये आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि ये वो दौर था जब हमारा फ्लैश चलता था। 2019 में अडोबी ने क्या करा, फ्लैश को डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है, सॉरी गूगल ने। तो आपको नए वर्जन में आपको ये नहीं मिलेगा, पुराने में आता था ये। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो ब्राउज़र में जब वेबसाइट खुलती थी तो बैनर जो होता था वो फ्लैश के थ्रू आता था एनिमेटेड। हमने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स बनाई जिसमें कोई का प्लगइन नहीं चलता, ये वाले प्लगइन, इनमें से कोई प्लगइन अब यूज़ नहीं होता, ये सब आउटडेटेड प्लगइन है। एपलेट्स, एक्टिव एक्स, ये सब एक्रोबेट एक्रोबेट प्लगइन नहीं है अब, तो सीधे पीडीएफ सीधे व्यू हो जाती है ना ब्राउज़र के अंदर आपकी। हाँ, अब आपको इसे ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गूगल क्रोम ने सब कुछ इनबिल्ट कर दिया अपने उस ब्राउज़र में। तो जैसे एक बहुत पहले मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, शायद अभी भी अगर उसका पढ़ा हो तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ, आई फॉर यू। तो इसका मैं एस डी एल निकाल लेता हूँ, ये एनिमेशन है मेरा ही बनाया हुआ है, अगर मुझे इसका डायरेक्ट मिल जाता है डाउनलोड करने के लिए। एस डी एल डाउनलोड, क्योंकि ये बंद हो गया है तो इसलिए मिलना मुश्किल है। आप फिलहाल यहाँ से देख सकते हो, तो ये पूरी वेबसाइट मैंने बनाई थी फ्लैश के अंदर। तो ऐसे एनिमेशन बनते थे, तो वेबसाइट पहले ऐसे खुलती थी, यहाँ पे एक बटन रहता था स्किप करने का, अगर आप स्किप करना चाहते हो। फिर यहाँ पर आपके नेविगेशन आ जाएंगे सारे, जिस पे आप माउस लेके जाओगे फिर इसके अंदर आपके सब ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है मतलब, लेकिन ये उस ज़माने का बड़ा हाई फाई है, 1998 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा ही डिज़ाइन दिखा के 2008 में मेरे को ये दिखाया गया डिज़ाइन कि भाई ऐसा कुछ बना लोगे, तो मैंने बोला ये मेरा ही डिज़ाइन। तो इंटरव्यू में मुझे यही मेरा डिज़ाइन दे दिया गया था कि ऐसा कुछ बना सकते हो फ्लैश के अंदर, मैं सर ये मेरा ही डिज़ाइन है, मैंने ये रिसोर्स फाइल्स, तो ऐसा कुछ था। तो पहले के टाइम में क्या था, एक हमने काम किया था यूरोप की एक साइट थी फैशन डिज़ाइन हाउस, तो वो फ्लैश में बनाई थी हमने। एलन सॉली जो आपका इंग्लैंड का ब्रांड है उसके लिए हमने काम किया था, वो भी पूरी फ्लैश में बनाई थी हमने। लेकिन 2012 की बात करें तो मार्केट पूरा बदल गया एकदम से, फ्लैश कम्प्लीटली बंद, क्योंकि मैं तो 2008 में खैर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन कुछ की डिमांड होती नहीं फ्लैश ही चाहिए, तो 2019 में ऑफिशियली बंद हुआ। बट हमने 12 के बाद फिर कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं उसके ऊपर,
क्योंकि फ्लैश का कंटेंट क्या था ना, मूवी के फॉर्म में था, अब मूवी का कभी एसईओ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? यानी कि गूगल के एल्गोरिदम जो थे उस कंटेंट को रीड नहीं कर पाते थे, ये प्रॉब्लम थी। और दूसरा थोड़ा सा हैवी होता था, क्योंकि आपको जब तक पूरा फुटेज आपका 100% लोड नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा नहीं कुछ भी उसके अंदर। और अब जो वेबसाइट्स आप चलाते हो थोड़ा थोड़ा पीस में लोड हो जाता है तब इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो आज पहले का जो दौर था वो ये था कि इंटरनेट पर होना ज़रूरी है, आज का जो दौर है वो ये है कि 2.5 सेकंड में खुलना ज़रूरी है। इंटरनेट पर दुनिया है आज की डेट में, लेकिन 2.5 सेकंड में अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप इंटरनेट की रेस से बाहर हो। पहले इंटरनेट पर होना ज़रूरी था, नहीं तो दोनों में डिफरेंस हो गया था। आज के डेट में हर बंदा बिजनेस को नेट पर लेके आ रहा है, लेकिन अगर वो 2.5 सेकंड में कॉम्पिट नहीं कर रहा है तो रेस से बाहर है। तो जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो फेमस हो गई, तो उन्होंने तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि भाई 2.5 सेकंड में खुलना है नहीं खुलना है मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है वो हमारे पास आएगा ही आएगा। अब एग्जांपल ऐसा समझो कि आप चीज़ें यूट्यूब पर सर्च करते हो, अब यूट्यूब अगर 2 मिनट में खुलेगा तो तुम इंतज़ार करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि जहाँ पर जाके आप हाउ टू एक वीडियो फॉर्म में देख पाओ, है ना? तो इसको कहते हैं मोनोपोली, जो ब्रांड फेमस हो जाते हैं वो फिर गूगल की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। जैसे फ्लिपकार्ट है, फेल हो रहा है, होते रहो, सेल लगाऊंगा बंदा दौड़ के आएगा। जैसे अब उसकी आईफोन 15 की लगा दी उसने, हाँ लग गई है, घटा दिया रेट, 15% गिरा दिया, 65 अगर कार्ड है आपके पास। वैसे 80 का था, 79,999। चलिए तो वापस आते हैं यहाँ पर टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट आपको यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा विजिट्स। विजिट्स क्या होते हैं, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, वेबसाइट में हमें कैलेंडर्स लगाना है, ठीक है, कि भाई आज की करंट डेट हमारी रिफ्लेक्ट होती रहे वहाँ पर। ये तो विजिट वाला कॉन्सेप्ट अब डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि अब इनकी हमें ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है, तो ये सब हटा दिए गए, नए में आपको नहीं मिलेगा। एक आपको मिलेगा पर डेट, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसका काम क्या होता है, जैसे आप नेट बैंकिंग चलाते हैं आप में से कोई, तो आपने लास्ट लॉगिन कब किया आपको लिखा आता है वहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि भाई मैंने ही चलाया था किसी और ने चला लिया मेरे एब्सेंस में। तो ये एक ऐसा फीचर है कि इसको आप यहाँ पर सेव कर लो, ऑटो अपडेट। आप यहाँ जाइए, आपने किस फॉर्मेट में दिखाना है, 20 यहाँ पर देख लीजिए, थर्सडे शॉर्ट में, स्मॉल में, फुल लेंथ में, विद कॉमा, विदाउट कॉमा, मंथ ईयर डेट, या डेट मंथ ईयर, या जिस ऑर्डर में आपने सेट करना है, ऑटोमेटिकली ऑन सेव यहाँ से ऑन कर देंगे, 12 आवर या 24 आवर्स, यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो मेरे कंप्यूटर का जो करंट टाइम है, आज 17 जैन है, टाइम इज़ 11:22 AM, तो आप देख सकते हो यही टाइम आ रहा है ना हमारे कंप्यूटर में। अब इस फाइल को हम लोग यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, या मैंने इसको यहाँ पर बंद कर दिया फाइल को। अब थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे इस फाइल को, तो हमें ये पता होगा कि ये लास्ट फाइल कब खुली थी, और जब आप इसको बंद करोगे तो नया टाइम अपने आप फीड हो जाएगा उसमें। कैसे होगा देखेंगे थोड़ी देर में, तब तक टाइम को चेंज होने दो। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है SSI, सर्वर साइड इंक्लूड। लाइक अगर आप कोई डायनामिक ड्रिवन में काम कर रहे हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप PHP में काम करो और आपने PHP कोई हेडर फुटर इंक्लूड करना है तो आप इससे इंक्लूड कर सकते हो पकड़ के। दिस इज कॉल्ड SSI, जो हमने मैनुअली आपको सिखाया हुआ है PHP में इंक्लूड फाइल का नेम, वो चीज़। यहाँ पर आपको मिलेगा कमेंट। कमेंट क्या काम करता है, अगर आप डिज़ाइन मोड में लिख रहे हो, जैसे दिस इज़ अ कमेंट, तो VS Code में आप Ctrl/ दबाते हो कमेंट हो जाता है। यहाँ पर आपने इसको कट करके इसमें डालना है, और ये पार्ट आपका कमेंट हो गया, देखो, है ना? और अगर आपने हटाना है कमेंट तो यहाँ पर रिमूव करने का होता है, अगर आपको कोड से लगाना है तो यहाँ से अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। क्या नहीं पहले भी आ रहे थे, यहाँ नहीं आते वो, कोड व्यू में आते हैं, ठीक है। तो ये अपना कमेंट, चलो टाइम चेंज हो चुका है, हम लोग अपनी फाइल को एक्सेस करेंगे, ऑटो अपडेट। तो लास्ट का फाइल ओपन हुई थी 11:22 पे हुई थी ना, अब जैसे मैं कंट्रोल लेस करूँगा देखो क्या हो गया, अपने आप टाइम अपडेट हो जाएगा स्क्रीन। तो आप पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, जब प्रोजेक्ट पे काम करते थे, ये अब भी आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस, और इसके लिए कोई ना बड़ा कोड नहीं लिखता, ये आपके नॉर्मल उसमें भी काम करेगा, बस इतना लिखना है अपने मेथड, और आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट में फंक्शनल हो जाएगा। जैसे नोटपैड आप चलाते हो, नोटपैड में अगर आपने टाइम लिखना है तो हम लोग क्या दबाते हैं, F5, टाइम आ जाता है। मैंने बता दिया। अरे नोटपैड बड़ी खतरनाक चीज़ है, कुछ भी कर सकता है वो।
चलो नेक्स्ट आता है आपका एसईओ के लिए, ठीक है, मेटा कीवर्ड डिस्क्रिप्शन रिफ्रेश बेस एंड लिंक। तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये हम लोग सीखेंगे जब हम लोग एसईओ वाला पार्ट पढ़ेंगे पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर कुछ अमेजिंग फीचर बताऊंगा, जैसे कि रिफ्रेश, इसको देखो। कभी किसी ने ऐसा कोई पेज एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने इसको ओपन किया तो ओपन होने के थोड़ी देर बाद वो रिडायरेक्ट हो गया किसी और पर ऑटोमेटिक? जनरली आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, हाँ, जब आप कुछ सर्च करने जाते हो तो कुछ करने जाते हो लेकिन क्लिक किया कुछ का कुछ खुल जाता है उसमें के अंदर से, ठीक है, हाँ, मूवी हो, सॉफ्टवेयर हो, क्रैक हो, उस केस में, ठीक है, तब नहीं होता। वीपीएन तो ऐड को ब्लॉक कर देता है ना पूरा का पूरा, क्योंकि ऐड जो चलते हैं वो लोकेशन बेस्ड चलते हैं, तो आपने वीपीएन लगा दिया बाहर का तो यहाँ तो वो बाहर वो ऐड चल नहीं रहा, तो फिर इसलिए आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने चूज़ किया रिफ्रेश, तो रिफ्रेश में आप पेज को रिफ्रेश करना चाह रहे हो या कुछ और करना चाह रहे हो? तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर जाके एक लिखा कंट्रोल ई फॉर टैग चूजर, और मैंने यहाँ पर फाइंड किया मार्क्यू। तो देखते हैं ये हमें मार्क्यू मिल गया, हमने यहाँ से किया इसको इंसर्ट, ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ जाके मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट एनिमेटेड टेक्स्ट, इतना पार्ट हमने लिखा। फाइल को हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र हम लोग जाके प्रेस करेंगे F12, तो आप देखो टेक्स्ट एनिमेट हो गया रहा है कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेटा की हेल्प लेंगे, रिफ्रेश, हम चाहते हैं भी हमारा पेज वो 2 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाए, तो डिले लगाया हमने 2 सेकंड का या 5 सेकंड का लगा लो एग्जाम्पल के तौर पर, रिफ्रेश दिस डॉक्यूमेंट, 3 लग लो, तो कोड ऐड हो गया यहाँ पर। चलिए अब जरा यहाँ देखेंगे 1 2 3 होने पर ये रिफ्रेश हो गया अपने आप। तो पहले के टाइम में क्या होता है, जैसे आप वेबसाइट चलाते थे क्रिक इन्फो, बात करें 2003 4 5 6 7 8 तक का टाइम रहा है, हाँ, तो उसमें अब तो डायनामिक हो गया, मतलब हम पर्टिकुलर सेगमेंट को करते थे, पहले क्या होता पूरा पेज ही रिलोड होता था, अगर आपका स्पीकर ऑन है कंप्यूटर ऑन है तो एक क्लिक की हो जाती, क्लिक और पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता था, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो पहले आपका एजेक्स वाले फीचर नहीं थे, एजेक्स आया 2008 के बाद, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो हम चाहते हैं कि हमारा पेज थोड़ी देर के बाद किसी डिफरेंट यूआरएल पर हो जाए रीडायरेक्ट, तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे क्लिक, बोलेंगे यहाँ से रिफ्रेश, हम कहते हैं कि 3 सेकेंड के बाद ये पेज जो है गूगल पर चला जाए या फिर पर्टिकुलर आपकी किसी लोकल फाइल पर, क्या कर रहे हो? भाई की आवाज सेम। चलो चेक करेंगे, हो गया चेंज। अब इसके देखो, एक तो हो गया कि मान लो कि आपने कहीं रिडायरेक्ट कराना हो उस केस में यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे मान लो एक कंपनी xyz.com, तो वो क्या करते हैं अपने क्लोज भी बुक कर लेते हैं, जैसे कि .in, .co, .in, ., इस तरह से जितने उनको लगता है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर मेरा सिमिलर डोमेन बुक ना कर ले उस केस में। अब करते क्या ये लोग कि भाई ऐसा तो नहीं कि तीनों के लिए अलग वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट तीनों के लिए एक होगी, तो यूज़र ने किसी भी डोमेन को रिक्वेस्ट किया उस पर रिडायरेक्शन होगा कि वो ऑटोमेटिकली उस पर रिडायरेक्ट हो जाए जो मेन हमारी वेबसाइट वाला होगा, तो वहाँ पर भी इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप देखते हो कई बार कि कोई वेबसाइट ने अपना नया इंटरफेस बनाया, आप देखते हो जैसे आप पुराने इंटरफेस को चलाते हो थोड़ी देर बाद वो अपने आप नए पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपका यही मेटा काम कर रहा होता है रिडायरेक्शन में। तो ये काम की चीज़ है, बाकी के मेटा फटाफट से देखिए क्या क्या काम करते हैं। तो उसका वो आप क्या कहते हैं कोड में जाके वो टैग डोम से उड़ा दो, तो तुम्हारे पास से खत्म हो जाएगा, मतलब बाकी सब जगह जैसे चलना वैसा ही चलेगा, तुम्हारे पास से रिडायरेक्शन बंद हो जाएगी। मैंने आपको सिखाया था JS पढ़ाई थी कि जावास्क्रिप्ट बंद कर दो, तो सारे कंट्रोल तो होते ही हैं क्योंकि ये सब क्या है क्लाइंट साइड है। नाराज़ की नहीं हुई। चलिए तो यहाँ से जैसे कि मेटा, मेटा में आप नेम के बेसिस पर लिखना चाह रहे हैं या HTTP इक्विवेलेंट के बेसिस पर लिखना चाह रहे हैं, तो ये वाला तो देखो मेथड हो गया बंद, अब चलता है सिर्फ नेम। नेम में अगर आपने अपना खुद का कोई कस्टम मेटा बनाना है, जैसे कि ऑथर, ऑथर कौन है, तो आप ऑथर का नेम यहाँ जाके डाल दोगे। जैसे आपने लिखा ईमेल, ईमेल आईडी अपनी यहाँ डाल दो, आपने लिखा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल दो,
तो इससे फायदा क्या होगा, वैल्यू में जो भी आप लिख रहे हो हेडर, जैसे कि ऑथर, ईमेल, फोन नंबर, जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, तो कल को अगर मान लो कोई ईमेल आईडी से सर्च कर रहा है गूगल में तो भी आपकी वेबसाइट दिखेगी, कोई फोन नंबर से सर्च करे तो भी आपकी वेबसाइट दिख जाएगी। इस तरह से बेसिकली बेनिफिट आते हैं हमें। तो यहाँ पर चलता है कस्टम। और जो प्री डिफाइन है, जैसे कि कीवर्ड एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ जाके डाल दो जैसे कि 2D एनिमेशन फॉर एग्जाम्पल, 3D एनिमेशन। अब मान लो जैसे कोई एनिमेशन इंस्टीट्यूट है या कोई इस तरह की वेबसाइट है, तो इस तरह से वो लोग अपने कीवर्ड डालते हैं। अब आप कोड में अगर देखो तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, मेटा नेम इज कीवर्ड्स, और यहाँ से 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो लगा देते हैं 20, 30, 40 कीवर्ड डाल देते हैं। वो तो सोचते हैं भी सारे लगा दो जितनी हमारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे आओगे तो ज़रूर, लेकिन जो सर्चर होगा वो आपका पेज ओपन करके छोड़ के चला जाएगा आपको। क्योंकि सीधी सी बात है, मैंने सर्च किया 2D एनिमेशन, आपने यहाँ 2D एनिमेशन लिख के डाला हुआ है, लेकिन 2D का कंटेंट नहीं खोला, तो यानी कि क्या हुआ, कंटेंट स्पैमिंग हो गई, यानी कि आपने यूज़र को धोखा दे दिया। यूज़र कह रहा है यार मैंने तो देखा कुछ था, दिखा कुछ और दिया। जैसे क्या करते हैं आप लोग, तो मूवी ढूंढते हो, जैसे कल ही कोई रिलीज़ हुई, आपको वो सारे पेज दिखते हैं, आप जाते दिमाग खराब है, बंद करो। तो क्या बढ़ता है, बाउंस रेट। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने पेज में वही कीवर्ड लगाओ जो कंटेंट उस पेज पर लिस्टेड हो। ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं लगाना है जिसके यहाँ पर आपका कंटेंट अवेलेबल ना हो, दिस इज कॉल्ड कंटेंट स्पैमिंग। कुछ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो जिनको नहीं पता वो तो लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लैक हैट SEO। आपका दिखेगा तो ज़रूर सर्च में, लेकिन लॉन्ग रन में कोई बेनिफिट नहीं है। और गूगल आपको ये नोटिस करता है कि भाई कितनी बार आपने ये गलतियाँ की है, जब आप हद से ज़्यादा गलतियाँ करते हो आपको कर देता है ब्लैक लिस्ट, यानी कि वो डोमेन ही ख़त्म। तो आप कभी देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे जब आपके बहुत सारे वो खुलते हैं ना इस तरह की वेबसाइट्स फालतू फालतू, वो आपको दोबारा कभी दिखेंगी नहीं। आप ढूंढने भी जाओगे ना कॉपी करके मिलेगी नहीं तुम्हें वेबसाइट, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि गूगल उसको पेनालाइज कर देता है कि इसको नहीं चलाना है। इसको बोलते हैं मेटा कीवर्ड्स। ऐसे होता है आपका डिस्क्रिप्शन, इसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, कि भाई आप अपने पेज के बारे में कुछ डिस्क्राइब अगर करना चाह रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर सर्च किया अरीना एनिमेशन। अब यहाँ पर ये वेबसाइट पहली खुल के आती है जिसके बारे में यहाँ पर वन लाइनर टू लाइनर कुछ लिखा हुआ है। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर फाइंड कर रहा हूँ इसको, और मैं इस इन्फॉर्मेशन पेश करता हूँ, रिजल्ट आ रहा है 0 out of 0, है ना। बट अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ इसको, यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, स्पीड थोड़ा कम आ रही है नेट की। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन। तो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट आपका यहाँ पर मेंशन है इसके अंदर। अब हुआ क्या, इन्होंने गूगल में जब ये दिखाया तो इनका 160 की जो एक गाइडलाइन है SEO की, उन्होंने इसको ब्रीच किया हुआ है। तो आगे क्या लिखा है, ट्रिपल डॉट, ट्रिपल डॉट। तो ट्रिपल डॉट अगर आपके इसमें आ रहा है, यानी कि जो गूगल ने बोला है कि URL जो होता है उसमें आपके मैक्सिमम 60 इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, जो टाइटल हम लोग डिफाइन करते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन होता है इंक्लूडिंग वाइट स्पेस 160 करेक्टर। तो जब मैं आपको SEO पढ़ाऊंगा तब तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपके टेक्निकल SEO का पार्ट है, जिसको हम लोग टेक्निकल एंड ऑन पेज SEO बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये यहाँ से कॉपी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और इसको हम लोग ट्रेस करेंगे। तो देखो, डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो आपके वेबसाइट जब खुले उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि फोकस फ्रेज जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना भूल गया है तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला ही बिल्कुल आलतू फालतू सा कुछ लिख दिया जिसमें कोई दम ही नहीं है लाइन में, तो गूगल आपको कंसिडर नहीं करेगा उस केस में। तो चलिए, ड्रीम व्यू में जाके हम लोग इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। आप देखिएगा आपका लिखा है यहाँ पर मेटा नेम इज़ डिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिक आ गया कंटेंट इक्वल टू। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मॉडर्न SEO ये कहता है कि भाई अब आप कीवर्ड डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, मत डालो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपका URL, आपके पेज का टाइटल, इसमें पोटेंशियल होना चाहिए। तो गूगल ये कहता है कि आपकी सर्विस, आपका बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस की लोकेशन, ये तीनों चीज़ें आपके टाइटल में होनी चाहिए। तो जैसे कि बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है, तो एनिमेशन कीवर्ड आ गया। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि अरीना ही सर्च करेगा एनिमेशन में, हो सकता है मैक्स सर्च करो तब भी मैं दिखूंगा,
है ना, क्योंकि मैंने एक ऐसा ब्रॉड कीवर्ड चूज़ कर लिया अपने लिए, तो मैं इस पर ज़्यादा भी आपको फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर पूरा एक अलग ही फील्ड है अपना। तो जब हम लोग एसईओ में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको जब जावास्क्रिप्ट डे वन पे पढ़ाया था तब आपको सिखाया था कि स्क्रिप्ट में वो पार्ट लिखते हैं जो जेएस में एग्जीक्यूट होता है और नो स्क्रिप्ट में वो पार्ट लिखते हैं जो नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्राउजर में किसी ने जेएस को डिसेबल किया हुआ है तो नो स्क्रिप्ट काम करेगा, और अगर किसी ने जेएस को इनेबल किया हुआ है तो नो स्क्रिप्ट फंक्शन नहीं करेगा, स्क्रिप्ट फंक्शन करेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ जाके स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, वैसे आपको जब ड्रीमवेयर काम करते हैं हमें लिखना नहीं होता, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे, तो यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट दोनों एक साथ आ जाएंगे। हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट रिटन बाय जावा स्क्रिप्ट, इसको हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रॉटनी राइट ऐसे, प्लीज इनेबल जावास्क्रिप्ट, ठीक है क्या वो नो स्क्रिप्ट हो गया। तो आपकी स्क्रिप्टिंग का टाइप क्या है, ठीक है, तो फिलहाल तो मॉडर्न में हमें ज़रूरत नहीं, पहले हमें लिखना पड़ता है भाई टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, तो इसको नन रखेंगे। तो देखो हमारा आ गया दोनों चीज़ें। तो देखो हमारा जेएस अभी इनेबल है, तो हमारा अभी स्क्रिप्ट वाला एग्जीक्यूट हो गया, स्क्रिप्ट एंड नो स्क्रिप्ट। क्या काम कर रहा है ये, और अगर आप सेटिंग में जाओगे यहाँ से जावास्क्रिप्ट में आप जाओगे, अपने वाला डू नॉट अलाउ क्या लिखा रहे, ठीक है, तो नो स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया, ऑन कर दिया तो आपका जेएस वर्क कर गया। इसके बाद ये वाला फीचर आपको मिल रहा है जो कि स्टैटिक में डायनामिक का फील देता है आपको, यानी कि जैसे पीएचपी में हम लोग क्या करते हैं डायनामिक बनाने के लिए हेडर फुटर अलग कर देते हैं, है ना, उससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लो कल को क्लाइंट कहता है पांच पेज के बाद कि ब्लॉक का एक पेज बना दो, तो आप हेडर में जाओगे ब्लॉक का लिंक लगा दोगे, सभी के अंदर ब्लॉक आ जाएगा और ब्लॉक का एक पेज बनाओगे वो फंक्शनल हो जाएगा सभी जगह से। तो पहले के टाइम में जब बहुत ज़्यादा डायनामिक वेबसाइट्स का ट्रेंड नहीं था तो इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलती थी हमें। तो कैसे करेंगे इसको यूज़, तो यहाँ से जब लोग कोई फाइल सेव करते हैं तो क्या बनता है डॉट एचटीएमएल, आपने फाइल को सेव नहीं करना है, आपने फाइल को नॉर्मली ओपन रहने देना है और एक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर फटाफट से बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर जाके डिफाइन किया एक टेबल, आप इसको डिप पर प्रैक्टिस कर सकते हो और चाहो तो वीएस कोड से बना के इसके अंदर ला के तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये हमारा हो गया बैनर एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैनर, इसके बाद हमने एक बनाया बटन, इसके बाद हमने यहाँ से डिफाइन कर देना है ऑल्ट कंट्रोल टी, इसमें दो कॉलम बना लो, और लास्ट हम लोग बना देंगे अपना फुटर। इसकी हाइट हम लोग यहाँ से कुछ 420 और विड्थ इज़ लाइक 150, इस तरह से कुछ डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बेटर तरीके से बनाते हैं, कॉलम हटा दो, कॉलम नहीं चाहिए हमें, कॉलम सिंगल रखेंगे। इस एरिया में हम एक टेबल बना लेंगे जिसकी विड्थ होगी लाइक 150, अलाइनमेंट इसका लेफ्ट रखेंगे एंड इसके पैरेंट को बोलेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट क्या रहेगा टॉप, और इसकी हाइट को हम लोग यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, हाइट इज 420। इसको हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिख दिया 100%, इस तरह से तो ये हो गया अपना एरिया, कंट्रोल एस किया हमने, तो देखो एचटीएमएल फाइल आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये जो मेरा एरिया है ये जितने भी पेज बनेंगे हर एक में डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन हर पेज के हिसाब से चेंज होता रहेगा हमारा। तो हम यहाँ पर जाके इसको बोलेंगे क्या एडिटेबल रीजन, आपने इसको बोला तो आप यहाँ देखेंगे पॉपअप आएगा ड्रीमवीवर विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस डॉक्यूमेंट टू अ टेम्पलेट, ओके करेंगे, इसका नेम दे दो लाइक टेक्स्ट एरिया या बॉडी एरिया, जो भी आप नेम रखना चाहो या डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हो। अब आप नोटिस करेंगे जैसे कंट्रोल एस हुआ तो मेरे सामने एक नया
ऑप्शन आ रहा है सेव करने का, पहले आ रहा था .html, अब यहाँ पर आ रहा है लिखा सेव एज टेम्पलेट। हमने इसको नेम दे दिया लाइक मास्टर टेम्पलेट, और आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये जो मास्टर टेम्पलेट बना है इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है, DWT विच मीन्स ड्रीमवीवर टेम्पलेट। अब आप यहाँ से जब न्यू बनाएंगे कंट्रोल एन, तो आपको यहाँ से चूज़ करना है पेज फ्रॉम टेम्पलेट, हमारी साइट, उसके अंदर मास्टर टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। ये आ गया आपके पास एरिया डिफाइन कर लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इस एडिटेबल से बाहर जाओगे, सब ब्लॉक है। ये एडिटेबल मास्टर से हैंडल होगा, एडिटेबल आपका यहाँ पर हैंडल होगा। हमने यहाँ जाके इसको एक कमांड दिया कि टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो रहेगा टॉप, और यहाँ हमने लिखा लाइक होम कंटेंट, और ये रहेगा लाइक H4, और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिख देना है, तो उसके लिए VS कोड की हेल्प ले लो। फिर गया, ये बड़ा परेशान कर रहा है, बर्दाश्त से बाहर है। अबकी बार तो कुछ हो रही है, लिखा नो सिग्नल समथिंग आ रहा था पहले, पहले शायद मेरे ख्याल से ग्रे स्क्रीन आ रही थी सिर्फ। मेरी चेयर तो भी बहुत दूर है, आज तो मैंने चेयर ही चेंज कर दी अपनी। रिवॉल्विंग चेयर। आकिब कह रहा है भाव को समझो, अर्थ को जाने दो। चलिए, तो इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो देखो नॉर्मल एक पेज सेव हो रहा है। इसको हमने नेम दिया लाइक index.html। फाइल को सेव कर लेते हैं, और इस पेज का अगर आपने कोई टाइटल रखना है तो लिख दो लाइक जैसे कि वेलकम पेज। सेव किया हमने, एक और बनाया लाइक सर्विसेज, और यहाँ पर लिख देते हैं सर्विसेज कंटेंट एंड सर्विसेज पेज। अबाउट, यहाँ आप लिखेंगे अबाउट अस एंड अबाउट अस पोर्टफोलियो, और यहाँ से हम लोग टाइटल में जाएंगे और लास्ट बना दो लाइक कॉन्टैक्ट। ओके, तो देखो हमने सारे पेज बनाए इस तरह से, सभी को हमने बना के सेव एंड क्लोज कर लेना है, ठीक है। और अब हम लोग अपने इंडेक्स पेज को ब्राउजर में करते हैं रन F12। फिलहाल ये नीचे दिखाया है क्योंकि पैडिंग वैडिंग हमने यहाँ से हटा देना है, तो अपनी जगह पहुँच जाएगा। तो कंटेंट आ रहा है हमारे यहाँ पर, लेकिन कोई लिंक नहीं है। अब देखो टेम्पलेट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ आपको, कि आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके आपने डिफाइन किया लाइक जैसे कि होम सर्विसेज अबाउट अस पोर्टफोलियो, आपने यहाँ से ऑल टाइप ही प्रेस करना है, यहाँ से करेंगे ब्राउज, यहाँ से हम लोग इंडेक्स फाइल को इसमें कर देंगे लिंक, ठीक है, एंड ओके। ऐसे आप यहाँ पर जाएंगे, चाहेंगे उसमें जाके डिफाइन कर देंगे सर्विसेज। यहाँ से भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से आप पकड़ के ऐसे करके निशानेबाजी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सर्विसेज होगा, नहीं हैंग नहीं होगा। आपने क्या करना है, इसको क्लोज करके रिफ्रेश करना है, तभी आपकी पहले फाइल्स पहुँचेंगी यहाँ तक। अब अबाउट को पकड़ के आप यहाँ से अबाउट को फाइंड करके आपने लिंक लगा देना है, तो हैंग नहीं होता। फिर आपका क्या है पोर्टफोलियो, फिर आपका क्या है कॉन्टैक्टर्स, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ पर है, इन सबको हमने सेलेक्ट करना है, और एक साथ पकड़ के आपने बोलना है जो अलाइनमेंट है हमारा वो क्या रहेगा सेंटर, और विड्थ जो है सबका वो रहेगा इक्वल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे इसके साथ एसोसिएटेड पेजेस हैं सभी में क्या आ रहा है, नाम आपने बोला अपडेट क्लोज
होम का नाम हमने इंडेक्स रखा था ना, इंडेक्स ही नाम रखा था ना उसका। जैसे हमने रिलोड किया, देखिए सारे पेज लिंक हो गए आपस में। अब क्लाइंट बोलते हैं भाई मेरे को यहाँ पर ब्लॉग ऐड कर दो एक, तब स्टैटिक मॉडल में ही अपना एक ब्लॉग बनाओगे और वो भी आपका फटाफट से ऐड हो जाएगा। या जैसे मैं कंटेंट को फिलहाल ब्लॉग से रिप्लेस कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो देखो यहाँ पर जैसे आप रिफ्रेश करेंगे सभी में आपका ये ऐड हो गया। तो स्टैटिक वेबसाइट में आपको इस तरह से एम्पावर कर देता है कि आप इसको डायनामिक की तरह चला सकते हो। तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे अभी तक हमने सिर्फ एक ही ट्राई किया, एक है इसमें ऑप्शनल लीजन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि मुझे किसी पेज में रिक्वायरमेंट है किसी में नहीं है। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस एरिया में एक टेबल बना लेता हूँ जिसकी विर्थ है 100% और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मुझे 5x5 कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक ऑप्शनल है, ठीक है, एक ऑप्शनल है। हमने कंट्रोल एस किया लेकिन आपने क्या बोला, डू नॉट अपडेट, अपडेट नहीं करना है क्योंकि हमने ऑप्शनल एरिया बनाया। अपडेट करोगे सब में आ जाएगा तो वो ऑप्शनल नहीं रहेगा वो। अब हमारे पास बेनिफिट क्या है, लाइक मेरे को कॉन्टैक्ट के पेज में जाना है, कॉन्टैक्ट के पेज में आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई, मॉडिफाई मिलेगा आपको टेम्पलेट, टेम्पलेट में आपको मिलेगा अपडेट करंट पेज। तो सिर्फ मेरे उस सेलेक्टेड पेज में आ गया जिसमें मुझे रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। आप यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे तो पूरी साइट में कहीं ना आके सिर्फ आपको उस एरिया में दिखाई देगा जिस एरिया में आपने अपडेट किया होगा। इसी में आता है एडिटेबल ऑप्शनल, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे एक आपको एडिटेबल ऑप्शनल मिल जाएगा। मतलब आप चाहते हो कि हर एक पेज पर आए लेकिन क्या हो कि मैं हर एक पेज पर अलग अलग रैंडम वैल्यू इसमें डाल पाऊँ, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे होगा, यहाँ से मैं इस पेज को अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया हमने इसको, क्लोज किया और यहाँ पर भी हम इसको कर देंगे अंडू और यहाँ पर हम लोग इसको ट्राई करेंगे एडिटेबल ऑप्शनल, कंट्रोल एस। मैं चाहता हूँ सब में आ जाए आपकी बार, हमने सब में डाला, ओके किया। अब आप यहाँ पर बेनिफिट देखेंगे, लाइक हमने इंडेक्स पेज अपना ओपन किया तो मैं यहाँ पर कुछ लिख पा रहा हूँ, कंट्रोल एस क्लोज, सर्विस पर आ जाते हैं, है ना, तो काम बन गया ना अपना। अब यहाँ देखेंगे होम सर्विस, तो कई बार आपको अलग अलग जगह पर कुछ अपडेट करना होता है, करा सकते हो उसकी हेल्प से। एक और बढ़िया फीचर आपको इसमें मिल जाता है स्टैटिक में डायनेमिक वाला, रिपीटिंग रीजन, तो रिपीटिंग भी आप इसके अंदर करा सकते हो, ठीक है। तो रिपीटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटिंग टेबल का, तो ये कैसे काम करता है, हमने इसको नेम दिया रिपीटिंग टेबल। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक टेम्पलेट बनाएंगे, अगेन हमने यहाँ से यूज़ करना है रिपीटिंग टेबल, ओके, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम्स, पैडिंग, स्पेसिंग, विड्थ लाइक 800 पिक्सल्स, बॉर्डर डिफॉल्ट, स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो, हमने बोला 2 से 2 हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग रहने वाला है इसके अंदर। हमने इसको किया ओके, अलाइनमेंट हमने जाके सेट कर दिया इसका सेंटर। यहाँ पर हमने हेडर डिफाइन की, जैसे कि नेम, जेंडर, एज, मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। अब इसका बेनिफिट क्या आएगा आपको ज़रा वो देखिए, आपने इसको जाके यहाँ से सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस यहाँ से रो बना दो, सॉरी मर्ज कर दिया हमने, यहाँ पर आता है हेडर का ऑप्शन TH और विड्थ कर देंगे इसकी 160। तो यहाँ पर आप इसको बोलेंगे लाइक टेबल टेम्पलेट, हमने इसको क्लोज किया, तभी हमने एक फाइल बनाया था रिपीटिंग टेबल, आपने यहाँ आना है और इस रिपीटिंग टेबल को आपने न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करने के बाद यहाँ से टेबल टेम्पलेट चूज़ कर लेना है और इसको आप ओवरराइड करेंगे रिपीटिंग टेबल के ऊपर। अब देखो मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया जैसे कि नेम इज आकिफ, जेंडर इज मेल, कौन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने
इसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। तो देखो रिपीटिंग होने का बेनिफिट क्या आ रहा है आपको, कि जैसे प्लस करोगे नया फील्ड आपके लिए ऐड हो जाएगा। प्लस जैसे मैंने यहाँ पर जैसे डिफाइन किया जैसे सुमित, ठीक है, मैंने यहाँ डिफाइन किया जैसे नेम रितिका लिख दिया। अब आप देखो कि आप डेटा का ऑर्डर भी बदल सकते हो, देख रहे हैं। अब नहीं तो ये काम आप कोड में जाओगे, कट करोगे पूरा इंटायर टी आर टी डी, देन फिर ऊपर पोजिशन करके आओगे तो ट्रिगर पर है सारा कुछ। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है इसके अंदर। तो ये रिपीटिंग टेबल एक तरह का वैसा है जैसे आप लोग करते हो ना, तो जब आप क्रॉड परफॉर्म करते हो तो उसमें देखते हो कि डेटा जो आपका लूप होकर आता रहता है ऑटोमेटिक, ये वही चीज़ है। तो ये स्टैटिक में हो रहा है, वहाँ पर आप डायनामिक से फैच करते हो बैकएंड से डेटा को, उसके बेसिस पे काम करते हो। हाँ कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा कोड में जाके करना पड़ेगा ना। अब ये उन लोगों के लिए सही है जिनको कोडिंग में ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लेकिन काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये पूरा टैब अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, काफ़ी हेल्पफुल पार्ट है। तो जैसे मान लो कि आपको जब मैंने सीएसएस पढ़ाया था तो मैंने आपको मीडिया क्वेरी पढ़ाया था। तो मीडिया क्वेरी जो हमारा काम करता है वो होता है फ्लूड ग्रिड लेआउट, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बूटस्ट्रैप, जिसके अंदर आपका क्या होता है मीडिया क्वेरी के 6 वेरियंट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज तक अवेलेबल है। तो जो हम लोग सीएसएस के थ्रू मीडिया क्वेरी लिखते हैं उसमें हम लोग सिर्फ 3 डिवाइस को हैंडल करते हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर आपको देखो इनबिल्ट फीचर मिल रहा है फ्लूड ग्रिड लेआउट इसके अंदर, ठीक है। ये तब तक का दौर है जब तक बूटस्ट्रैप मार्केट में नहीं आया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो डेस्कटॉप में आपको कितने कॉलम रखने, आपने बनाया यहाँ पर 12 कॉलम। टैबलेट में आपको कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट हमने चूज़ किया, लाइक 9। मोबाइल में आपको कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट आपने लिख दिया, लाइक 4। और हमने यहाँ से जाके अपना एक क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर आपने स्टाइल शीट का नेम देना है, आप इसको नेम दे देंगे जैसे कि लाइक स्टाइल, क्या मोबाइल लैंडस्केप में क्यों है वो पोर्ट्रेट कलर तभी वैसे ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये क्या होता था, मैं आपको, ये वो टाइम है जब हमारा फ़ोन जो था ना, हम लोग कुछ भी जब चलाते तो हॉरिजॉन्टली चलाते थे। अब तुम्हारे ब्रॉड हो गया ना फ़ोन काफ़ी, तो पहले के टाइम में वाइड करके चलाते थे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में ज़्यादा फर्क नहीं होता था डिस्प्ले के अंदर, क्लोज टू होते थे, मतलब 19-20 का फर्क मान के चलो, ऐसा कुछ आता था। हाँ आप जो कोड लिखो दोनों में काम करेगा वो। तो यहाँ पर देखोगे आपके नीचे 3 एक्टिवेट हो गए अपने आप, ये मोबाइल फ़ोन है, ये टैबलेट है, ये डेस्कटॉप है, और ये डेस्कटॉप में सबसे बड़ा साइज, ठीक है, मतलब कितना बड़ा हो ये उसके ऊपर काम करेगा। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो 1000 पिक्सल रहेगी मैक्सिमम। अब यहाँ देखोगे इस पर लिखा रहे 1000, ठीक है, यहाँ देखो 768, यहाँ देखोगे आपका 480। 768 होता है टैबलेट के लिए, ठीक है, ये टैबलेट है, ये डेस्कटॉप है 1000। तो आप इसकी विड्थ वगैरह को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हो। अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सीएसएस में आइए। तो एक तो आएगा आपके पास बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसका कोड सारा यहाँ लिखा हुआ है, आपने इसमें कुछ नहीं करना, इसको भूल जाओ। आपका जो काम है वो है स्टाइल डॉट सी एस एस में। स्टाइल डॉट सी एस एस में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ ट्रिपल दिखेगी। जैसे ग्रिड कंटेनर 3 बार दिखाई देगा, अगर यहाँ पर लेआउट डिप बना हुआ है तो हमारा वो 3 बार दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि मोबाइल टैबलेट डेस्कटॉप, मोबाइल टैबलेट डेस्कटॉप। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बनाऊंगा तो वो 3 टाइम अपना बन जाएगा खुद से। इस पार्ट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, जैसे कि ये वाला पार्ट। नहीं लगानी पड़ेगी, इतना आसान हो जाएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप पर सारा काम खत्म, सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप पर खत्म है। तो ये देखो जैसे कि ये वाला हम लोग देख रहे हैं पार्ट, ये बैनर इमेज हमने यहाँ पर कॉल करनी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ये हमने लोकेशन कॉपी किया नॉट पैड, ठीक है, डायरेक्टरी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, पर इसका काम खत्म हो गया। तो ये क्या रहेगा, मोबाइल और टैबलेट हो या डेस्कटॉप हो, ये वाइड ही रहने वाला है। तो हम लोग ड्रीमर की अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिव
टेम्पलेट। तो यहाँ पर देखो बॉयलर प्लेट एंड रेस्पॉन्ड डॉट मिन डॉट जेएस साथ में आ गई, इसमें आपने इसको कॉपी कर लेना है। बॉयलर प्लेट को करेंगे बंद यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो देखो जैसे मोबाइल से शुरू करते हैं, हमें यहाँ पर एक कॉल करना है क्या, इमेज। इमेज की कमांड क्या होती है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। और ये लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, आपने इसको कर लेना है कॉपी। यहाँ ला के आप करेंगे पेस्ट, यहाँ से करेंगे एंटर। ये हो गया बैनर, बोलेगा बाहर है, उसको ले आओ अंदर, ठीक है। बैनर ओवरराइड करने के लिए बोलेगा, तो आप उसका नेम चाहो तो डिफरेंट कर दो, लाइक बैनर वन, ठीक है। तो रिनेम भी हो गया अपने आप। तो देखो ये आपका मोबाइल फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप। लेकिन अगर डेस्कटॉप पर बड़ा स्क्रीन हुआ किसी का, तो हमारा बैनर छोटा हो गया, है ना, प्रॉब्लम आ रही ना। तो आपने इस केस में क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप का जो ग्रिड कंटेनर है सबसे नीचे है, आप यहाँ जाएंगे, इसको आप नेम को कर लेते हैं जैसे कॉपी। हमने यहाँ से राइट क्लिक करना है, लिखना है न्यू। यहाँ जाके हम लोग चूज़ करेंगे कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर हम लोग यहाँ जाएंगे, लिखेंगे इमेज टैग, बोलेंगे यहाँ से ओके। और जो बॉक्स है यहाँ जाके हम लोग इमेज की विड्थ को लिखेंगे 100 और यहाँ लिख देंगे परसेंटेज। जैसे आप यहाँ परसेंटेज टाइप करो, आगे परसेंटेज अपना आप आ जाएगा। अप्लाई किया, ओके किया, सेट हो गया हमारी इमेज। W जो 100% होता है वो हो गया, काम खत्म। तो जिसमें जहाँ काम करना है बस उस डिवाइस को आपने टारगेट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। ये सब उसी से आ रही है, ये आपको ये आउटपुट में नहीं आएंगे आपको। हाँ अब आप देखोगे, ये देखो, हाँ ये आपके मोबाइल मोड आ गया, ये आपका टैबलेट मोड आ गया, ये आपका डेस्कटॉप मोड आ गया। तो वो बेसिकली क्या होता है, कॉलम आपको दिखा रहा है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आपने किस तरह से कॉलम को डिफाइन करना है। अब देखो मैं आपको नीचे के तीन कॉलम बना के दिखाता हूँ, बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल फर्स्ट। तो हमने इसके बाद, इसके बाद में हमने क्या करना है, ये बनाना है 1 2 3। तो ये क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो यहाँ जाओगे, आपने यहाँ जाके बोलना है इंसर्ट फ्लूड ग्रिड लेआउट डिव टैग। आपने रो की तरह बनाना है या कॉलम की तरह बनाना है, आपने बोला रो, ठीक है, ठीक है। जैसे आप इसको बनाओगे, अपना आप इसका आईडी चेंज होकर क्या हो गया, 1 से 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी यूज़ हो गया ना। तो हमने बोला ओके, ये हमारा बन गया। इसके बाद मुझे फिर एक और बनाना है, तो हम यहाँ जाएंगे अगेन, फिर ओके करेंगे। ध्यान रखना इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, ठीक है। ये हमने तीन बना लिए, क्लियर है। अब टैबलेट में क्या होगा, हम चाहते हैं एक दूसरे के सामने आए, हम टैबलेट में आ गए। तो देखो बाकी में तो आपको कोडिंग करना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ से पकड़ा, छोटा किया, तीन कॉलम पर सेट कर दिया, ये तीन कॉलम पर डाला, ये तीन कॉलम पर डाला। लेकिन कहाँ चाहिए, एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पर क्लिक करोगे, एक एरो बनाएगा ऊपर, ये गया ऊपर। इसके बाद डेस्कटॉप, यहाँ जाएंगे, इसको चार कॉलम पर सेट कर दें, क्योंकि हमने 12 कॉलम यूज़ किए थे, आसान है ना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा। बन गई आपकी रिस्पॉन्सिव। अब उसके अंदर आप डेटा जैसे डालोगे उस तरह से काम करेगा। तो देखो इन्होंने इंटरनली यहाँ पर आपको चेक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आपने यहाँ से मल्टी स्क्रीन प्रीव्यू ऑन करना है, तो एक झटके में आपको तीनों स्क्रीन दिखा देगा कि फ़ोन पे देखो रो बन गई तीन, यहाँ पर तीन कॉलम बन गए टैबलेट में, डेस्कटॉप में तीन कॉलम बन गए, है ना, खतरनाक। हम 12 साल बाद देख रहे हैं, 2024 में, 2012 में यूज़ हो चुका है तरीका, और ये आज भी काम कर रहा है। आप पूरी मीडिया क्वेरी यहाँ से हैंडल कर सकते हो, उसके पूरा सब कंट्रोल दिया। व्यू पॉइंट के साइज़ आपने बदलने हैं, आप यहाँ से सारे साइज़ वगैरह अपने बदल सकते हो नए डिस्प्ले के हिसाब से, ठीक है। तो पहले जो हमारे डिस्प्ले होते थे वो 1280 के आते थे, तो यहाँ पर 1126 तक की वेबसाइट खुलती थी इसमें। तो अगर आप मॉडर्न के लिए बना रहे हो तो मॉडर्न का कोड इसमें जाकर लिख दो, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पहले बहुत छोटे डिस्प्ले के होते थे ना, तो 320 से लेकर 300 पिक्सल मोबाइल, टैबलेट 768, ठीक है, और यहाँ से 1126। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आगे देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इस पर और क्लियरिटी मिले, तो आपकी ये वाली चीज़ें पूरी हो जाएंगी इसके अंदर।
तो बहुत सारे फीचर्स छुपे हुए हैं ड्रीमवीवर में जो आपके काम को, प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बूस्ट कर देंगे। तो एक तरह का आपका पूरा रिकैप चल रहा है, जो भी अभी तक आप पढ़ चुके हो तो सारा यहाँ से जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। और आप को फिर मुझे वो कराना है कस्टम वाला शॉपिंग कार्ड, वो मेरे दिमाग में है। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना।